वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डी ग्रोवाल, और आज अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के। जो भी क्वेश्चन अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर बनाए थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अगला पार्ट के अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे। देखो, इससे पहले अपन ने जो क्वेश्चन है वो शायद 125 के आसपास जो है वो 5 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, और आज है वो एक दिन एग्जाम का बचा हुआ है, तो आज अपन जो अगले क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 126 से देखते हैं। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी सजेशन, कोई भी आंसर का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं, तभी सभी स्टूडेंट्स को वो आंसर क्लियर हो सके। ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे कर भी रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं थैंक्स कहूँगा कि वो काफ़ी अच्छे से वीडियो देख रहे हैं और उनको डाउट लग रहा है कोई भी चीज़ में है तो वो सजेस्ट भी कर रहे हैं कि सर इसका आंसर ये हो सकता है या इसकी थ्योरी ये पर्टिकुलर है। ठीक है ना, तो काफ़ी ऐसे एक्टिव स्टूडेंट्स भी हैं। तभी क्वेश्चन नंबर अपन देखें 126, इसमें देखें जीन विच कन्फर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया आर लोकेटेड। ठीक है ना, ऐसे जीन्स जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट्स होते हैं वो जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखो इन पॉलीराइबोसोम्स और ऑन प्लाज्मा, ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर ऑन प्लाज्मा जो है वो ऑन प्लाज्मिड अपन मान सकते हैं इसको, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है ऑन प्लाज्मा या प्लाज्मिड आ जाएगा, क्योंकि पॉलीराइबोसोम में वो जीन रेजिस्टेंट है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, तो उसमें जीन होते नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड सीरियल्स। ये जो सीरियल्स हैं या खाने के जो भी वेराइटीज हैं मैन मेड, प्रथम ह्यूमन के द्वारा बनाई गई वेराइटीज कौन सी है, ट्रिटिकल्स से, तो इसका राइट आंसर जो है वो ट्रिटिकल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 128 के अंदर, PBR 322 इज ए फेमस, क्या है ये, एक वेक्टर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन देखें वायरस, प्लाज्मिड, ब्लू ग्रीन एल्गी, इंसेक्टिसाइड, तो ये क्या है, एक प्लाज्मिड का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 129 नंबर में अपन देखें सर्दन ब्लॉटिंग इज ए टेक्निक फॉर सर्दन ब्लॉटिंग। ये क्वेश्चन जो देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो सर्दन ब्लॉटिंग जो है वो खासतौर से DNA को डिटेक्ट करने के लिए यूज में आता है। तो यहाँ पर देखो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, एस्टिमेट ऑफ DNA, एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA सेगमेंट्स, किसी भी DNA सेगमेंट्स को पहचानने के लिए सर्दन ब्लॉटिंग को टेक्निक यूज में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अप्रोप्रिएट आएगा वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और फिर चलते हैं अपन 130 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूजफुल इन द फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में कौन सी टेक्निक है वो यूजेबल है, तो ऑप्शन में देखो DNA फुट प्रिंटिंग है, DNA फिंगर प्रिंटिंग है, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग है, ऑल ऑफ अबोव। तो यहाँ पर देखो सभी जो टेक्निक्स हैं वो कहीं ना कहीं जो फॉरेंसिक साइंस है उसमें यूज में आती है। तो यहाँ पर ओवरऑल अपन कह सकते हैं ऑल ऑफ अबोव इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 131 में देखें। ठीक है, 131 में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट इज नोन फॉर हीज रिसर्च वर्क ऑन द DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने ज्यादा वर्क किया है वो कौन से हैं, देखो DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो डेवलपर है वो तो कौन से है, एल्स जेफरी है, वो अपन जानते हैं। ठीक है ना, फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। और इंडियन की बात करें अपन तो लालजी सिंह जो है वो इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने DNA फिंगर प्रिंटिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क किया है, तो ये कौन से आ जाएंगे, लालजी सिंह आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें यहाँ पर 32 में, 132, विच एंजाइम एक्ट एज ए बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सीजर के रूप में कौन सा काम करता था, अपन सभी जानते हैं, कॉमन क्वेश्चन सभी देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट एज ए सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 133, द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन ह्यूमन वॉज डेवलप्ड फॉर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम किसने डेवलप किया था, तो मैंने अभी भी बताया था इसका आंसर, एल्स जो जेफरी है इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था किसको, फिंगरप्रिंटिंग को। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव, ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसे कहेंगे अपन, कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स, पहली बात तो देखो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं उनके उनके अंदर बाहर से कोई भी फॉरेजन DNA फॉरेजन पार्टिकल सब अपन डालते हैं उसे ट्रांसजेनिक में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर देखो फॉरेजन RNA इन ऑल इट्स सेल्स, ठीक है ना,
फ्यूजन डीएनए इन सम ऑफ इट्स सेल्स, फ्यूजन डीएनए इन ऑल ऑफ इट्स सेल्स। ठीक है, तो अगर आप, मैं कहूँ कंप्लीट डीएनए जो है वो कंप्लीट सेल्स में हो, कोई जरूरी नहीं है सभी सेल्स में हो, अगर कोई फ्यूजन पार्टिकल्स कुछ कुछ सेल्स में भी प्रेजेंट है तो भी उसे अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी देखो आप, फ्यूजन डीएनए इन सम ऑफ इट्स सेल्स, तो भी उसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स में अपन इंक्लूड करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 135 में अपन देखें, ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाय, ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे प्रोड्यूस करते हो आप, इंड्यूसिंग जीन म्यूटेशन, अरेस्टिंग स्पाइनल फाइबर फॉर्मेशन, डिलीटिंग सेक्स क्रोमोसोम्स, इंड्यूसिंग फ्यूजन जीन्स। फ्यूजन जीन्स को अपन जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, ये इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। इसका 136 नंबर का क्वेश्चन अपन देखें, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एंड फार्माक्यूटिकल्स बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन देखो कई बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है और इसका आंसर जो हमेशा आता है मोलिकुलर फार्मिंग। ऑप्शन में देखो एग्रीकल्चर फार्मिंग भी दिया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी दिया है, फार्माकोलॉजी भी दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मोलिकुलर फार्मिंग। और जो भी स्टूडेंट्स जो डेली कमेंट में अपने व्यूज रखते हैं वो इस क्वेश्चन के ऊपर अपने जो रिप्लाई है वो जरूर दें कि 136 क्वेश्चन का जो आंसर है वो अप्रोप्रिएट क्या होगा। ठीक है ना, सभी स्टूडेंट्स जो भी डेली अपडेट दे रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ आपको 136 का रिप्लाई जरूर दें आप। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 137 में अपन देखिए, सटल वेक्टर रेफर टू, सटल वेक्टर का अपन लास्ट क्वेश्चन में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि सटल वेक्टर का मतलब क्या है। तो सटल वेक्टर का मतलब है कि ऐसे कोई प्लाज्मिड जो दो होस्ट के अंदर एक्सप्रेस हो सकते हो। तो यहाँ पर ए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विच टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज। तो इसका राइट आंसर देखो ए में देखो, पहले तो नेचुरल बैक्टीरियल प्लाज्मिड, आर्टिफिशियल बैक्टीरियल प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज लैम्डा वेक्टर्स, और डी है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, देखो 138 में अपन देखें, लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड। तो लाइगेज एंजाइम के नाम से भी है कि डीएनए के कोई भी दो फ्रेगमेंट्स है उनको जोड़ता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की सहायता से। इसका राइट आंसर है जॉइनिंग ऑफ बिट ऑफ डीएनए, डीएनए के कोई भी फ्रेगमेंट्स को जोड़ना। नेक्स्ट, बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट, बीटी कॉटन किसके रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट या पेस्ट के अगेंस्ट है। तो इंसेक्ट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इंसेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 140 के अंदर, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हेल्प इन, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहाँ यूज में आती है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है वो खासतौर से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के अंदर काम आती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सीधा सा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। 141 के अंदर अपन देखें, एनी प्रोसेस दैट रिजल्ट इन इंटीग्रेशन ऑफ ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन टुगेदर इन सिंगल सेल इज कॉल्ड। कोई भी सेल है उसके अंदर आप रिकॉम्बिनेशन जो डीएनए है उसको क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो या उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक है, एनी प्रोसेस दैट रिजल्ट इन इंटीग्रेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, एक नया जीन का कॉम्बिनेशन अपन इसमें डालते हैं, टुगेदर इन ए सिंगल सेल इज कॉल्ड। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नाम से आएगा, इसमें फ्यूजन दिया हुआ है, जेनेटिक फ्यूजन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही इसका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 142 में, विच ऑफ दीज जेनेटिक मार्कर इज मोस्ट लाइकली टू बी हाईली पॉलीमॉर्फिक हैव मैनी डिफरेंट एलील्स। ठीक है, यहाँ पर पूछा है विच ऑफ दीज जेनेटिक मार्कर, इनमें से कौन सा जेनेटिक मार्कर इज मोस्ट लाइकली टू बी हाईली पॉलीमॉर्फिक, इनमें से कौन सा जेनेटिक मार्कर है जो हाईली पॉलीमॉर्फिक है, हैव मेनी डिफरेंट एलील्स, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एलील्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ए आरएफएल भी दिया हुआ है, एसएनपी दिया हुआ है, और एक माइक्रोसेटेलाइट्स दिया है। माइक्रोसेटेलाइट्स जो है वो डीएनए के एकदम सोर्स जो न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटेशन होता है उसे अपन माइक्रोसेटेलाइट्स बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा पॉलीमॉर्फिक होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन का राइट आंसर आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 143, यहाँ पर देखो कॉल्ड्रियुलर या फिर अपन कह सकते हैं कॉल्ड्रियुलर परफॉर्म्ड हीज एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट। ठीक है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पे परफॉर्म किए थे, तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो टोबेको के ऊपर किए थे। ऑप्शन देखो
यहाँ पर देखो कौन सी वेराइटीज के ऊपर सबसे ज्यादा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो टोबेको के ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए, द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कोलोइडल मटेरियल फ्रॉम देयर मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर से कोलोइडल पार्टिकल्स को आप सेपरेट करना चाहते हो तो किस मेथड से कर सकते हो, तो सेपरेटिंग का मेथड तो देखो इसमें एक ही है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि टैम और सैम तो माइक्रोस्कोप है, देखने के लिए यूज में आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो उनकी जो कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स की, नंबरिंग है, कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए आता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस उनको सेपरेटने के लिए काम आता है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 145, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द टैम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के रिगार्डिंग, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स आर यूज एज ए पेरेस ऑफ लाइट, लाइट के रूप में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम यूज में आती है, ये तो सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस आर यूज इन पैलेस ऑफ ग्लास लेंसेस, ग्लास लेंसेस की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस यूज में आते हैं, ये भी ठीक है, एक भी दो भी। आगे देखो तीसरा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड डायरेक्टली बाई आईज, ये ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट अपने आंखों से देख सकते हैं, ये गलत बात है, इसका राइट आंसर जो होगा एक और दो इसका बेस्ट आंसर है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, एक और दो होगा, मतलब ए ऑप्शन। 146 के अंदर अपन देखें, विच इज द कोड एज ए काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए पर कैसे कहते हैं, कोई भी दो जीन का, कोई भी दो डीएनए फ्रेगमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेंट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, काइमेरिक डीएनए बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जेड डीएनए, सैटेलाइट डीएनए और पैलिंड्रोमिक डीएनए, तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है वो सबसे इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो यहाँ पर फ्लेवर सावर टोमेटो दिया है, बीटी कॉटन दिया है, सोयाबीन दिया है, गोल्डन राइस दिया है, इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, फ्लेवर सावर टोमेटो, ये काफ़ी बार अपन डिस्कस कर चुके हैं, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी यूज में ली गई थी, और जो बीटा पॉलीगैलेक्टोज जो एंजाइम है उसके अगेंस्ट में इसको तैयार किया गया था सेल्फ लाइफ इसकी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट अपन देखिए, एन एग्जाम्पल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स वेक्टर इच, ठीक है ना, एन एग्जाम्पल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर इनमें से कौन सा है, कॉस्मिड है, फॉस्मिड है, प्लाज्मिड है और फेजमिड है, ठीक है, ये अलग अलग इसमें दिए गए हैं, तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के रूप में कौन सा यूज में आता है, तो यहाँ पर जो है वो फॉस्मिड आ जाएगा, इसका राइट आंसर जो कौन सा होगा, फॉस्मिड। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के रूप में एक आता है बेक्टल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और एक आता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, यहाँ पर फॉस्मिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 149 में देखिए, फ्लेवर्स ऑफ टोमेटो वर प्रोड्यूस्ड बाय ब्लॉकिंग एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, कौन से जीन की एक्सप्रेशन को रोककर फ्लेवर्स ऑफ टोमेटो की वैरायटी बनाई गई थी, तो मैंने अभी बताया था आपको बीटा पॉलीगैलेक्टो यूरोनेज, ठीक है ना, याद रखना भी अल्फा और बीटा ऑप्शन आ सकता है, तो आपको बीटा पॉलीगैलेक्टो यूरोनेज का ऑप्शन ही करना है, तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, बेस्ट आंसर इसका ये वाला इसका राइट आंसर होगा। अब अपन देखते हैं 150 नंबर का क्वेश्चन, इन रेप्लिकेशन ऑफ ओकाजा के फ्रेगमेंट आर जॉइंड टुगेदर, ओकाजा के फ्रेगमेंट्स को अपन जोड़ने के लिए डीएनए की कहीं भी बात आती है तो सीधा सा आ जाएगा डीएनए लाइगेज इसका बेस्ट आंसर होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, डीएनए लाइगेज इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से 150 जो क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, और कल जो भी स्टूडेंट्स खासतौर से अपन देखते हैं 27 तारीख को जयपुर में जिनका भी सेंटर है ग्लोबल इंस्टीट्यूट वाली में आया होगा, ज़्यादा ग्लोबल स्किल इंस्टीट्यूट ऐसे कुछ नाम से है जो सीतापुरा के अंदर है मोस्टली, तो मेरा भी सेंटर वहीं है, मैं भी एग्जाम में बैठूंगा देखने के लिए पेपर, ठीक है, तो मिलते हैं अगर कुछ स्टूडेंट मिलेंगे तो वहाँ पर, ठीक है, और उससे पहले भी अगर एक और वीडियो पॉसिबल होगा तो मैं बना दूंगा आप, ठीक है ना, और सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कि अपनी तैयारी रखें, अच्छे से कोशिश करें, और कुछ क्वेश्चन अगर इसमें नहीं होगा तो मैं आपको जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के ऊपर जो क्वेश्चन है MCQ उसमें डाल दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।